बचपन से हम लोग रहते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, वो लोग हमारे फाइनेंसेस देखते हैं, और वहाँ पे सडनली जाते हैं बच्चे और सब कुछ खुद से करना होता है। तो पर्सनल फाइनेंस में आपका क्या सही अप्रोच है? एवरीवन नो उसके घर का बैकअप क्या है, घर पे पैसे कैसे आ रहे हैं, एंड इस कंडीशन में किस चीज़ का कितना रेट है, किस चीज़ कितने में आती है, कौन सी चीज़ कहाँ सस्ती मिलती है, कौन सी ग्रोसरीज आपको किस तरीके से परचेस करनी है, विद द टाइम यू जस्ट अडॉप्टेड इट। इंडिया में हमारा मॉडरेट टेम्परेचर रहता है और इंडिया से एकदम से ऐसे एडवर्स टेम्परेचर में जाते हैं हम रशिया में, क्या सजेस्ट करेंगे अपने फेलो मेडिकल एस्पिरेंट्स? सो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर योर क्लॉथ्स, योर बेसिक इनसाइड जो आप रूम में रह रहे हो, तो उस समय पे आपको सेंट्रलाइज हीटिंग रहेगी, ओनली ऑन द ट्रांसपोर्ट टाइम। डोंट बी लाइक सलमान खान कि आप बाहर जाके यानी खुले में घूम रहे हो, ठंड नहीं लग रही है। व्हाट आर द वेरी कॉमन मिस हैबिट्स ऑफ द स्टूडेंट यूजुअली आई सी इन माय स्टडी टाइम आल्सो, एंड अभी भी बच्चों में ये नहीं बदलता, सम टाइम वही सॉक्स को उल्टा करके पहनते हैं, ठीक है, तो यू हैव टू चेंज द शूज एट हॉस्पिटल, एंड फिर आप एनेस्थेशिया बिना बेहोश करते हुए घूमते हो, घर वालों की मम्मी पापा की फोटो जो अपने बटवे में लेके जा रहे हैं वही वो कंसिस्टेंटली 6 ईयर तक रखे, वहाँ पे बाकी फोटो बदलना नहीं चाहिए। यहाँ पे हार्मोन का भी काफ़ी बड़ा रोल रहता है, 18 से 23 साल में इंसान एक अलग एंथुसिएज्म में जाता है, उस समय पे बस एक चिंगारी वो पेट्रोल को जला सकती है, तो उस पेट्रोल को फ्यूल की तरह यूज़ करना है, ना कि वेपन की तरह। सालों से रशिया एक पॉपुलर चॉइस रहा है इंडिया में मेडिकल एजुकेशन के लिए और आज भी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इंडिया में सीट नहीं मिलने के कारण रशिया ऑप्ट करते हैं अपनी MBBS के लिए, लेकिन आज के दौर में इतने सारे कंसल्टेंट्स, इतने सारे सर्विस प्रोवाइडर्स होने के बावजूद लोगों को ये पता चल रहा है कि रशिया कैसे जाना है, वहाँ का एडमिशन प्रोसेस क्या है, कितना खर्चा आएगा, लेकिन ये कोई नहीं बता रहा है कि रशिया जाने के बाद जो चैलेंजेस आता है उसको कैसे हैंडल करना है, उसको कैसे कोप करना है। तो आज हमारे बीच हैं डॉक्टर नितिन सर, जो कि रशिया में ही रहे हैं, वहीं पढ़ा है, वहाँ से अब वापस इंडिया आके अच्छा कर रहे हैं मेडिकल फील्ड में, और उनसे जानेंगे कि जब वो रशिया में थे तो क्या क्या चैलेंजेस उन्होंने फेस किया और उसके साथ कैसे टैकल किया। तो वेलकम सर। हाय फ्रेंड्स, माय सेल्फ डॉक्टर नितिन शरणागत, मेरा UG रशिया से है, मेरा PG गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर से, प्रेजेंटली मैं इंडियन मेडिकल कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर करके कार्यरत हूँ, एंड मैं अपना ओन हॉस्पिटल्स भी रन कर रहा हूँ, एंड आई एम गाइडिंग द एस्पिरेंट हु आर विलिंग टू गो अब्रॉड। तो इस हिसाब से छोटा सा इंट्रो है ये मेरा, तो बाकी तो आप और दो में। तो अभी हमने देखा कि सबसे ज़्यादा जो चैलेंज आता है बच्चों को वहाँ जाने के बाद वो लैंग्वेज का है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं रशिया में जो कि रशियन में ही पढ़ाती हैं, और नॉट ओनली एकेडमिक्स, डे टू डे लाइफ में भी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप कैसे सजेस्ट करेंगे कि जो स्टूडेंट्स जा रहे हैं वहाँ वो कैसे इस हर्डल को फेस करें? एक्चुअली रशिया के जो बैरियर्स हैं या फिर रशिया में जाने वाले जो हर्डल्स हैं, लैंग्वेज वॉज द अर्लियर ऑल्सो और अभी भी लैंग्वेज तो रहेगी ही। हर कंट्री की अपनी एक ओन नेटिव लैंग्वेज है और हर कंट्री का एक अपना एक ओरा या कल्चरल सेगमेंट रहता है, तो लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर। लेकिन आपको अगर एकेडमिक्स इंडिया में आके करनी है तो बेसिक आपको इंग्लिश मीडियम वाली यूनिवर्सिटी ऑप्ट करना चाहिए जहाँ का एकेडमिक्स इंग्लिश में हो। सेकेंडली, आप ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ जा रहे हो वहाँ के कल्चर के लिए आजकल तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत फैसिलिटीज़ ईजीली अवेलेबल है, मोबाइल ऐप्स है, ट्रांसलेटर्स है, डिजिटल एरा में जी रहे हैं अपन, तो एवरीथिंग यू जस्ट टाइप इट, वो वॉइस से आपको वर्ड्स में आता है, बट पर्टिकुलर एसेंट, पर्टिकुलर चीज़ें वहाँ पे जाके आपको अडॉप्ट करनी पड़ती है। उसके लिए आपको पर्टिकुलर टीचर्स वहाँ पे हर यूनिवर्सिटी में होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट पे मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अगर रशिया जा रहे हो तो आप माइंडली ये कॉन्सेप्ट बना के जाओ कि आप जो यूनिवर्सिटी जा रहे हो वो कंप्लीट इंग्लिश मीडियम हो, मींस के एकेडमिक में आप बोन को बोन ही पढ़े, बोन को ओस ना पढ़े, तो जो वर्ड्स रहते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी वो प्रॉपर आपके मेडिकल टर्मिनोलॉजी हो, जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी इंडिया में यूज़ होती है या इंटरनेशनली यूज होती है, जैसे लीवर यानी पेचिन होता है रशियन में, तो ये वर्ड्स अगर आप पढ़ोगे तो इट विल मोर डिफिकल्ट टू यू गेट रजिस्टर्ड इन इंडिया,
तो ये हर्डल जो है लैंग्वेज का, इट्स कॉज बिगर अफेक्ट इन योर लाइफ ऑल्सो। अगर आप इंडिया में कर रहे आ रहे हो और आपको मेडिकल टर्मिनोलॉजी ही रशियन में आपने पढ़ी है, तो इट विल बिगर हर्डल। तो फर्स्ट थिंग, यू हैव टू गो फॉर द इंग्लिश मीडियम यूनिवर्सिटी। सेकेंडली, अगर आपको डे टू डे लाइफ कम्युनिकेशन में है, तो यू हैव टू क्रिएट इंटरेस्ट टू लर्न अबाउट द लैंग्वेज। अगर आप कोई नई जगह पे जाते हो, मान लो कि अगर मुंबई में कोई दूसरी जगह का इंसान आता है, तो वो मराठी कुछ दिनों बाद सीख जाता है, एंड एवरीवन इज प्राउड ऑफ देयर मदर टंग। तो लैंग्वेज एंड नेटिव के साथ इंटरेक्शन एंड योर एप्स एंड बहुत सारी चीज़ें रहती आज डिजिटल एरा में, इट विल ईजीली ओवरकम। हम उस समय पर जब गए थे, तब हम डिक्शनरी लेके चलते थे जो रशियन टू इंग्लिश, फिर हम इंग्लिश टू हिंदी में क्या कहते हैं ये वाला पढ़ा करते थे, डिक्शनरी, हार्ड कॉपी, हार्ड कॉपी डिक्शनरी, क्योंकि उस समय पे मोबाइल ही नहीं थे। तो वी जस्ट यूज अ पॉकेट डिक्शनरी, ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी लेके जाते थे कि इंग्लिश में फिर हिंदी में क्या समझना है उसे, या फिर रशियन टू हिंदी कैसे होती है। नाउ एवरीथिंग इन ऑन मोबाइल, नाउ गूगल है, सारी चीज़ें हैं, तो इट ईजीली ओवरकम फ्रॉम देयर। बट मैं इंसिस्ट करूँगा कि आप लैंग्वेज में इंटरेस्ट क्रिएट कीजिए, एंड बेसिकली जो पढ़ाई का टोन ऑफ कंडीशन है ये इंग्लिश में होना चाहिए। दैट इज़ द मस्ट थिंग। अगर आप रशिया की इतनी सारी यूनिवर्सिटीज अभी इन पॉपुलर मार्केटिंग में हैं कि जिनका नाम किसी ने पूरे 20 ईयर्स में नहीं सुना, और वो यूनिवर्सिटी ऑफरिंग द मेडिकल एजुकेशन एंड बाकी बच्चे कम फी एंड बाकी कंडीशन के हिसाब से जा रहे हैं, दैट इज़ द डिफरेंट ऑफ सीनरी। थैंक यू सर लैंग्वेज पे अपने इंसाइट्स देने के लिए। तो मेजर हमें पॉइंट्स ध्यान रखना है कि अगर आप मेडिकल यूनिवर्सिटी या फिर कोई भी यूनिवर्सिटी चुन रहे हैं, तो वो इंग्लिश मीडियम में होना चाहिए अगर आप इंडिया से जा रहे हैं तो। सेकेंडली, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए उस लैंग्वेज के प्रति, तभी आप नेटिव के साथ भी बात करके घुल मिलकर सीख सकते हैं। और थर्ड, डिजिटल एरा में है, हम ऐप्स यूज़ कर सकते हैं, मोबाइल इंटरनेट यूज़ करके आप लैंग्वेज सीख सकते हैं। तो नेक्स्ट हर्डल जो मुझे लगता है कि वो होता है वेदर का और क्लाइमेट का। इंडिया में हमारा मॉडरेट टेम्परेचर रहता है, और इंडिया से एकदम से ऐसे एडवर्स टेम्परेचर में जाते हैं हम रशिया में, जहाँ पे कुछ कुछ रीजन्स तो ऐसे हैं जहाँ पे माइनस में, एक्सट्रीम माइनस में जाता है टेम्परेचर, साइबेरिया जैसे रीजन्स में। तो आपने कैसे अडेप्ट किया था उस टाइम पे, और क्या सजेस्ट करेंगे अपने फेलो मेडिकल एस्पिरेंट्स? बेसिकली एक्चुअली गूगल का वर्ल्ड है, गूगल पे सारा चीज़ें दिखती है, लोकेशन दिखता है, एवरेज टेम्परेचर दिखता है। आप नॉर्मली अगर कहीं पे भी कोल्ड कंट्री में जाते हो या कोल्ड एटमोस्फेरिक कंडीशन में जाते हो, तो वहाँ के ह्यूमन लाइफ सर्वाइवल के हिसाब से सारी चीज़ें उन्होंने उस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। नाउ जैसे कि आप इंडिया में विंटर में रहते हो, हमारी विंडोज़ ओपन रहती है, यू गेटिंग अ कोल्ड इनसाइड द रूम, लेकिन वहाँ पे एवरीथिंग पैक एंड सेंट्रलाइज हीटिंग वाला वर्कअप आपको मिलेगा वहाँ पे। मैं तो पहले ये कहूँगा कि सिलेक्ट द यूनिवर्सिटी वेयर देयर इज़ नॉट अ एक्सट्रीम टाइप ऑफ कोल्ड, बिकॉज यू हैव टू गो आउटसाइड फॉर द ग्रोसरी, यू हैव टू गो फॉर अदर थिंग ऑल्सो, बट देयर इज़ द प्रॉपर एडाप्टेशन। जैसे विंटर के क्लोथ्स हो गए आपके, विंटर के कपड़े हैं, विंटर के शूज़ है, विंटर के मफलर है, विंटर का आपका बाकी वर्कअप है, यानी विंटर के लिए जो रशियंस हमेशा प्लस 20 डिग्री टेम्परेचर में भी कैप लेके घूमते हैं, बिकॉज दे नो कि रशियन वेदर इज़ अनप्रिडिक्टेबल। सुबह प्लस 10 है और रात में सडनली माइनस 10 हो, तो देयर इज़ यू हैव टू बी रेडी एडाप्ट एज पर दैट। हर ऐप के ऊपर आपको वेदर रिपोर्ट एवरीडे दिखता है। रशिया में कोई कुछ देखे ना देखे, वेदर रिपोर्ट हर कोई न्यूज़ चैनल या मोबाइल में इजीली दिखता है कि कल वेदर कैसे रहने वाला है, बिकॉज वेदर के हिसाब से यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द एवरीडे। दिस इज़ द वेरी बेसिक। हम रोज़ रात में देखते थे कल सुबह 10 जाने वाला है, कल माइनस 5 होगा या माइनस 10 होगा, तो वी प्रिपेयर एज पर दैट, और एवरी डे वी गो फॉर अकॉर्डिंगली इट। कभी कभी वेदर एकदम गर्म हो जाता है, तो समर टाइम देयर इज़ अ 25 डिग्री टेम्परेचर इज गेटिंग हर्श, यहाँ पे अपने को 25 डिग्री पे लगता नहीं है, बट देयर आर द ड्राई हीट एंड ड्राई कोल्ड। तो इस हिसाब से यू हैव टू प्रिपेयर फॉर योर क्लॉथ्स, योर बेसिक इनसाइड जो आप रूम में रह रहे हो, तो उस समय पे आपको सेंट्रलाइज हीटिंग रहेगी। ओनली ऑन द ट्रांसपोर्ट टाइम, डोंट बी लाइक सलमान खान कि आप बाहर जाके यानी खुले में घूम रहे हो, ठंड नहीं लग रही है, हड्डियाँ जमाने वाली सर्दी हवा चलती है, उससे बचना जरूरी होता है, एंड ऑल रशियंस पीपल आर टेकिंग केयर ऑफ इट। सो
अडॉप्ट देयर कल्चर, उनके कल्चर के हिसाब से अपने आप को अडॉप्ट करो। ऐसा नहीं, अरे यार मुझे तो ठंड नहीं लग रही है और मैं तो कुछ नहीं पहनूंगा तो भी चल जाता है, मेरे तो ठंडी ही नहीं लगती। बट यू गेट सीक विद द टाइम एंड बाकी आर्थराइटिस के प्रॉब्लम, बोन के प्रॉब्लम्स एंड जॉइंट के प्रॉब्लम्स यू गेट फर्दर विद योर एज प्रोग्रेस। सो बे केयरफुल, अडॉप्ट एज पर जैसा देश वैसा भेज, ऐसा होना चाहिए। एज पर दैट नॉर्म्स आप उस हिसाब से ही ड्रेसअप रहे, चाहे वो फैशन आपको लगे नहीं लगे, आपकी सेल्फी उसमें अच्छी आए नहीं आए, बट यू हैव टू ड्रेस एज पर दैट। एंड प्रायोरिटी है बॉडी सेव करना, उस हिसाब से रहे, शूज़ प्रॉपरली पहने, सॉक्स ज़्यादा पहने, थर्मल्स प्रॉपरली लेके जाए, थर्मल्स आर द मस्ट थिंग। आप दो टी शर्ट कम ले जाओ बट थर्मल्स आप साथ में लेके जाओ, बिकॉज दे आर प्रोटेक्टिंग सोल लेयर फॉर यू। एंड सेंट्रलाइज हीटिंग होने के बावजूद समटाइम इन डिसम्बर और जैन देयर विल बी द वेरी हर्श कोल्ड इन सम पार्ट ऑफ द रशिया, देन दैट टाइम यू हैव टू टेक केयर अबाउट यूर हेल्थ ऑल्सो एंड प्रॉपर मेडिकेशन एंड द प्रॉपर वार्मिंग स्टफ यू हैव टू गो एज पर द रशियंस डू। मीन्स कि जैसे रशियंस करते हैं उस हिसाब से ही आपको जाना, मेरे हिसाब से तो जरूरी है, क्योंकि दे नो देयर वेदर प्रॉपरली एंड उस हिसाब से यू डोंट थिंक कि आप इंडिया में इतने गर्मी इतनी सर्दी में रहे हैं तो यू विल अडॉप्ट। तो आप जैसे कंट्री का वर्कअप है, जैसे उस लोकेलिटी का वर्कअप है, जैसे लोकल्स वहाँ पर बिहेव कर रहे हैं, जस्ट मॉनिटर इट, ऑब्जर्व इट एंड गो फॉर इट। तो समर टाइम में हर रशियन के हाथ में छाता आपको मिलेगा, विंटर रहे या समर रहे हर एक के पास शापका यानी कैप मिलेगा, तो ये ग्लव्स उनके पास होंगे, जबकि बाहर हाफ पैंट में घूमने इतनी गर्मी हो, दे जस्ट प्रिपेयर फॉर देयर चेंज ऑफ द वेदर। सो यू हैव टू बी एज पर दैट। टू सम अप सर, जो आपने बताया कि जैसा देश वैसा भेस, हाँ, तो जो भी स्टूडेंट्स जाएंगे वहाँ, वो ऑब्वियसली वो लोग भी ह्यूमंस हैं, वो लोग भी उस एक्सट्रीम वेदर में सर्वाइव कर रहे हैं सालों से, तो आपको बस ये करना है, टाइम लगेगा क्योंकि आप नए जियोग्राफिकल रीजन से उस रीजन में जा रहे हो, तो मे बी आप बचपन से उस क्लाइमेट में नहीं रहे हो, तो आपको वहाँ जाके उनको देखना है, उनके जो प्रैक्टिसेस हैं विंटर से बचने का उसको फॉलो करना है, और बाकी चीज़ें तो सर ने आपको बता ही दिया। नेक्स्ट जो हर्डल मुझे लगता है सर, और नेक्स्ट जो चैलेंज लगता है रशिया जाने के बाद, वो है पर्सनल फाइनेंस का। बचपन से हम लोग रहते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, वो लोग हमारे फाइनेंसेस देखते हैं, और वहाँ पे सडनली जाते हैं बच्चे और सब कुछ खुद से करना होता है, तो पर्सनल फाइनेंस में आपका क्या एडवाइस है, आप कैसे मैनेज करते थे और क्या सही अप्रोच है? सी बेसिकली आज के डेट में जो बच्चा जा रहा है या जो फाइनेंशियल कंडीशन सपोर्टिंग है, एवरीवन नो उसके घर का बैकअप क्या है, घर पे पैसे कैसे आ रहे हैं एंड इस कंडीशन में किस चीज़ का कितना रेट है, किस चीज़ कितने में आती, कौन सी चीज़ कहाँ सस्ती मिलती है, कौन सी ग्रोसरीज आपको किस तरीके से परचेस करनी है। विद द टाइम यू जस्ट अडॉप्टेड इट। सीनियर्स आपको कई जगह पे हेल्प करेंगे, बाकी लोग आपको कई जगह पे हेल्प करेंगे, बट आपको विद द टाइम उसे अडॉप्ट करते हुए अपने फाइनेंशियल बजटिंग कैलकुलेट रखना होता है कि मीन्स कि मुझे यूनिवर्सिटी में डेली इतना खर्चा लग जाता है, वो एक फाइनेंशियल एस्पेक्ट रहता है। देन इफ़ यू आर इन अ फर्स्ट ईयर, देन फर्स्ट ईयर में आपकी मेस है, आप मेस में खाना खा रहे हो, तो आपको पॉकेट मनी के हिसाब से ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं आता है। बट लेकिन जब आप बाहर जाके एवरी डे खाना खाओगे, एवरी डे यू से कि नहीं मुझे ये नहीं खाना है वो नहीं खाना है, तो फाइनेंशियली आपका बैलेंसिंग विल बी डिस्टर्ब। एंड सेकेंडली फ्रेंड सर्कल, किसी के घर में कितना पैसा है वो जानता है, आप उसके जैसा अगर बिहेव करने जाओगे तो आपका बजट गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि वो बाहर खा सकता है बिकॉज उसके पास उतने पैसे हैं, वो अफोर्ड कर सकता है। इफ़ यू आर फ्रॉम द, मैं जो था वो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से था, तो मेरे पास ऐसे गिनती के पैसे आते थे एंड गिनती के पैसों को ट्रैवल के लिए इतना लग जाएगा, महीने के एंड में इतना लग जाएगा, हर चीज़ की प्राइस कैलकुलेटिंग ये करते थे कि ये वाला राइस इतने का है, ये वाला राइस इतने का है, ये वाला राइस भी तो पक जाता है, ये वाला राइस भी पक जाता है। तो बेसिक ये है कि यू जस्ट थिंक, जैसे आप अपना फाइनेंशियल बजटिंग मैनेज करना सीखोगे आपको पैसों की रियल वैल्यूएशन पता चलेगी, वरना आप रोग आके घर वालों से पैसे मांगोगे तो वो आप देश से दूर हो,
तो वो अपना कुछ कम ज्यादा करके आपको सेंड भी करेंगे। सेंड तो करेंगे ही सर, वो ऑब्वियसली अपने बच्चे को वही रोते हुए कोई नहीं देखना चाहता। एवरी पेरेंट इज वरीड, हर एक के इमोशन उतने पीक पे रहते हैं, तो उस इमोशन का मिसयूज ना करें, गलत संगत में ना करें, गलत आदतों में ना पड़े। जैसे कि मोस्टली बच्चे बाहर जाने को पेरेंट इसीलिए डरते हैं कि बच्चा हाथ से बिगड़ जाएगा, तो जो इसका बजट जो एवरेज बजट है उससे डबल होने लगे या उससे बढ़ने लगे तो पेरेंट हैव टू बी टेक केयर ऑफ इट। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अगर बच्चा कोई झूठ बोल के पैसे मंगा रहा है तो ही गोइंग ऑन अ रॉन्ग ट्रैक। तो पेरेंट्स को भी एक एडवाइस है कि वो इंट्रोस्पेक्ट करें जब उसके फाइनेंसेस ड्रास्टिकली चेंज हो रहे हैं। वो चीज़ों पे हमेशा ध्यान दें, क्योंकि बच्चा जब गलत चीज़ों में जाता है वो 100 तरीके के झूठ बोलता है। एंड इन सारी चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए एवरेजली एक्सपेंसेस कितने लगते हैं, तो एट प्रेजेंट रिसेंटली मैंने इस मंथ ही विजिट किया था, तो सोशियो इकोनॉमिकल एंड फाइनेंशियल वैल्यूएशन के हिसाब से इंडियन करेंसी में मैक्स टू मैक्स 10-12 तक तो हो जाता है, जो बहुत ही ज्यादा सिंसियर एंड डिसेंटली बच्चे भी करते हैं। बेसिक नीड्स हो जाते हैं, बेसिक नीड 8-9 हज़ार 10 हज़ार तक हो जाती है। हाँ, थोड़ा सा कभी शॉपिंग कर लिया, कभी मैंने कहा ये है, तो दे जस्ट एक्सप्लेन। आप 10 हज़ार के ऊपर अगर पैसे दे रहे हो तो टेक अ एक्सप्लेनेशन फ्रॉम देयर साइड कि किस चीज़ का खर्चा हुआ, किस बात का खर्चा हुआ। फर्स्ट 2 मंथ थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंसेस लगता है, दैट इज़ वेरी ट्रू, बिकॉज कि आप विंटर क्लॉथ रशिया में खरीदते हो एंड विंटर शूज़ वहाँ पे खरीदते हो, देन आप मेडिकल चेकअप के लिए जाते हो, देन आप कुछ चीज़ों का पता नहीं होता है वहाँ पे, ओवर प्राइस में कभी कुछ खरीद लेते हो तो किस चीज़ में। रशिया में यूनिफॉर्म चीज़ों का प्राइसिंग नहीं रहता, दैट इज़ अ वेरी वंडरफुल थिंग। वहाँ पे पेन से लिखा होता है ये चीज़ 700 रुपये की, वही दूसरे दुकान में जाओगे वो 500 की होगी, वही दूसरे दुकान में जाओगे आपको 300 की मिलेगी। सुपरमार्केट में यूनिफॉर्मली चीज़ें होती है, बट इन अ लोकल मार्केट दे रिटर्न बाय द हैंड। सो ये चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, वो थोड़ा सा जजमेंटल रहता है, बट यूर सीनियर्स इफ गुड सीनियर्स इज देयर देन दे विल डेफिनेटली हेल्प। एंड बाकी कोऑर्डिनेटर्स आपको हर यूनिवर्सिटी में मिल जाते हैं, कोऑर्डिनेटर्स एंड उनके जो सीनियर ग्रुप्स है दे विल हेल्प देम। तो ये चीज़ें रहती हैं सर। इसमें ये फ्लक्चुएशन ऑफ एक्सचेंज रेट्स भी मैटर करता है पर्सनल फाइनेंस। एक्चुअली पर्सनल फाइनेंस में एक्सचेंज रेट काफ़ी मैटर करता है। व्हेन आई वाज इन रशिया दैट टाइम, जब 2005 या इसमें थे, तो $100 के 3,200 रूबल मिला करते थे, या 2,800 मिला करते थे, या फिर समटाइम तो हमने 2,200 का भी रेट देखा, 2,200 का। नाउ $100 यू गेट नियर अबाउट 9,000 रूबल्स, 9,000 रूबल्स यू गेट इन $100, तो $100 के 9,000 रुपये मिलते हैं। एंड यहाँ के करेंसी की इक्विवेलेंट ही आप पकड़ सकते हो, लेकिन सडनली ये कभी 8,000 भी हो जाते हैं, 7,000 तक भी देखा है, और कभी कभी 10 भी हो सकते, 11 भी। तो फ्लक्चुएशन ऑफ द मनी करेंसी एंड प्रॉपर जगह से एक्सचेंज, प्रॉपर प्लेस से एक्सचेंज, प्रॉपर पर्सन से गाइडेंस लेके एक्सचेंज, इट्स मैटर। क्योंकि बहुत सारे नए नए में आपको नोटें नहीं रहती है, तो यू जस्ट गो थ्रू इट एंड जस्ट थिंक कि 1,000 की तो 1,000 ही होंगे, या 1,000 के 2,000 होंगे, नोटें नहीं हैं, सारी करेंसी नहीं दिखती है, तो यू गेट कन्फ्यूज एंड सम सीनियर्स मे बी मिसलीड टू यू। सो प्रॉपर सीनियर ऑलवेज राइट वाला सिचुएशन नहीं रहता, बट यू हैव टू बी टेक केयर कि आप प्रॉपरली गूगल है आपके पास सारी चीज़ें, यू कैन चेक इट आउट एंड टेक एज पर दैट। पर्सनल फिनांस को अगर सर की बातों को सम अप करें तो वहाँ पे अपने बजट को देखते हुए, अपने फैमिली सिचुएशंस को देखते हुए आपको अपना बजट बनाना है, और सीनियर्स का हेल्प ले सकते हैं आप पर्सनल फाइनेंस मैनेज करने के लिए, जो कुछ सालों से वहाँ रह रहे हैं, उन्होंने किया हुआ है वो चीज़, तो उनसे भी आप गाइडेंस ले सकते हैं। नेक्स्ट जो सर चैलेंज लगता है वो है कल्चरल शॉक। हम इंडिया के कल्चर से ऑल ऑफ अ सडन नए कल्चर में जाते हैं वहाँ, तो कल्चरल शॉक को क्या मतलब, कैसे वो वेलकम करते हैं हमें, हमें कैसे वहाँ पे जाके अडेप्ट होना है नए कल्चर में, इसके बारे में। सी रशियन आर वेरी फ्रेंडली विद इंडियंस, इंडियन सिनेमा वहाँ पे चलता है, इंडियन कीनो करके चैनल चलता है, इंडियंस के ऑल कल्चर, दिवाली होली करवा चौथ ये सारी चीज़ें वो जानते हैं, बट वी गो टू देयर प्लेस एंड उनके कल्चर्स हमें नहीं पता होते। जैसे मासली निस्सा फेस्टिवल होता है, रशियन यूजुअली वेयर 2 पेयर ऑफ द शूज, एक आउटर डोर शूज़ रहते हैं, एक इनर डोर शूज़ रहते हैं, रशियंस के कोट्स प्रॉपरली बाहर आते ही चेंज किया जाता है, दे आर वेरी पिक्युलर
विद द ड्रेसअप, उनके पास अगर गरीब से गरीब भी होगा बट ही वेयर प्रॉपरली एंड डिसेंट लुकिंग, ये उनका एक क्राइटेरिया होता है. सेकेंडली आप उनके कल्चर में जाते हैं तो ऐसे नहीं कि सब्जी के भरे हुए कपड़े पहन के रास्ते पे जा रहे हो, ठीक है. देन यू रिप्रेजेंट इंडिया देयर एंड दे आर जजिंग यू ऑल इंडियंस बाय यू. तो आपने कुछ खाया रास्ते पे फेंक दिया, वहाँ पे रास्ते पे थूकना या रास्ते पे कचरा करना इज़ वेरी पिक्युलरली बैन. एंड सेकेंडली दे आर ऑर्थोडॉक्स इन अ कल्चर, यानी जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन निटी है वो वाला वहाँ पे ज़्यादा फॉलो होता है. वहाँ मुस्लिम भी है वहाँ पे, यानी बाकी रिलीजन्स भी है बट क्रिश्चियनिटी इज़ द मेन ओन रिलीजन. बट उनके फेस्टिवल्स भी पेट्रोटिक फेस्टिवल्स होते हैं, जैसे कि जेवेते हुए मया होता है, यानी 9th of May वर्ल्ड वुमेंस डे वहाँ पे सेलिब्रेट होता है. एंड देन क्रिसमस उनका 9th of January में उनका क्रिसमस होता है. तो ये जो कल्चर्स है दे हैव सेलिब्रेटिंग देयर फेस्टिवल्स, दे आर वेरी पिक्युलर विद देयर हैबिट्स एंड देयर कल्चर. जैसे हम अपने घर में मंदिर के अंदर चप्पल पहन के नहीं जाते, वैसे ही वो अपने घर में भी जो बाहर के शूज़ है वो बाहर ही निकाल के जाते हैं. रास्ते पे कितनी गंदगी है वो घर के नहीं जाते. टू डोर स्पेसिंग रहती है, देयर इज द इनर डोर एंड आउटर डोर टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द कोल्ड एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम द इन्फेक्टिव थिंग्स ऑल्सो. तो बाहर के शूज़ बाहर निकाल के जाना है, प्रॉपरली सॉक्स पहन के जाना है. वॉट आर द वेरी कॉमन मिस हैबिट्स ऑफ द स्टूडेंट यूजली आई सी इन माई स्टडी टाइम ऑल्सो एंड अभी भी बच्चों में ये नहीं बदलता. यू हैव टू वेयर शूज एवरी डे, आप रोज़ जूते पहन के जाना है. बट हमारे बच्चे सम टाइम वही सॉक्स को उल्टा करके पहनते हैं, ठीक है. तो यू हैव टू चेंज द शूज़ एट हॉस्पिटल एंड फिर आप बेहोश एनेस्थीसिया बिना बेहोश करते हुए घूमते हो. तो ये वाली चीज़ें आप स्टिंग कर रहे हो, आप स्मेल कर रहे हो, आप 8 दिन से ठंडी है करके नींद आ रहे हो, दैट इज़ द बैड हैबिट यू हैव टू चेंज, है ना. तो टीचर इज़ लुकिंग कि आपका एप्रॉन गंदा है, आपका एप्रॉन के बटन नहीं है या फिर चैन नहीं है, यू आर वेयरिंग एप्रॉन ऑन रोड ऑल्सो. सो रशिया में एप्रॉन लैब कोट को लैब कोट की तरह ही देखा जाता है, हॉस्पिटल हॉस्पिटल की जगह ही होता है और उस हिसाब से ये चीज़ें. तो ये सर थे कुछ मेजर चैलेंजेस जो स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंटली हमसे पूछते रहते हैं और बताते रहते हैं कि ये चैलेंज होता है हमें वहाँ जाने के बाद. आपके टाइम पे क्या चैलेंज था, कुछ डिफरेंट था अभी के चैलेंजेस से, या फिर कुछ और आप ऐड करना चाहें, कुछ एडवाइस देना चाहें जो स्टूडेंट्स वहाँ जाएंगे? सी वेदर उस समय पे वैसे ही था, रशिया का वेदर नहीं बदला था, रशियन लैंग्वेज वॉज द सेम, रशियन करेंसी एक्सचेंज वॉज द यूजुअल इशू जो हर फॉरेनर फेस करता है. बट वहाँ पे जाने के बाद जो बेसिक हमारे टाइम पे चैलेंज था दैट वाज द कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन के लिए हमारे को लाइन लगानी पड़ती थी, हम मोबाइल फ़ोन नहीं थे, व्हाट्सअप कॉलिंग नहीं थी. 10 रूबल पर मिनट कॉल करने का रेट लगता था, दैट आर द 10 रूबल पर मिनट. तो 10 रूबल पर मिनट तब इंडिया में ISB के डब्बे होते थे, पी 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 करके 2-4 मिनट में आपके 500-600 रुपये ख़त्म हो जाते थे. एंड दैट टाइम 500-600 रुपीज़ आर द बिग थिंग. तो दैट वॉज द बिग चैलेंजेस इन दैट टाइम. हमें कम्युनिकेशन के लिए घर पे वीडियो कॉलिंग नहीं होती थी या वीडियो देखना, दैट वॉज द बिग इशू. बट नाउ दैट चैलेंजेस ओवरकम विद द टेक्नोलॉजी, बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, बच्चे गूगल से लेके व्हाट्सअप से लेके ऐप से लेके एवरीथिंग दे आर यूजली. बट द मेन बेसिक चैलेंज है टू सस्टेन कम्प्लीट 6 ईयर फॉर योर एजुकेशन पर्पज. एजुकेशन पर्पज को फोकस रखते हुए आप 6 साल के बाद इंडिया में आके आपको रजिस्टर्ड होना है, इस फोकस गोल के साथ रहे. मेन कंसिस्टेंसी इज़ द मेजर चैलेंज एज पर मी, कि बच्चों को कंसिस्टेंट जो अभी नीट में जिनके कम आए हैं, नहीं हमारे वो गलती होगी हम पास होके करके जाएंगे ये, और जो अभी माइंडसेट घर वालों की मम्मी पापा की फ़ोटो जो अपने बटवे में लेके जा रहे हैं वही वो कंसिस्टेंटली 6th ईयर तक रखे. वहाँ पे बाकी फ़ोटो बदलना नहीं चाहिए, दैट इज़ द बिग इशू. एंड सेकेंडली जो फाइनेंशियल गोल अभी वो लेके जा रहे हैं, अभी उनको एक चीज़ 500 की महंगी लग रही है तो वो लास्ट तक वो 500 की चीज़ महंगी ही लगनी चाहिए जब तक कि वो खुद नहीं कमाते. तो वो वाली इशू होना चाहिए. दे शुड बी जजमेंटल फॉर देयर पॉकेट मनी के लिए जैसे है, एजुकेशन के लिए जैसे है, वही टेम्पो एंड फोकस फॉर होल 6th ईयर होना चाहिए. तो दे विल डेफिनेटली सस्टेन एंड सर्वाइव इन दैट एटमोसफियर ऑल्सो एंड हीयर ऑल्सो. तो बेसिक वेदर तो कंडीशन फर्स्ट ईयर तो हर कोई रोता है, आई एम वेरी ऑनेस्ट, कि भाई
फर्स्ट ईयर बच्चा जाता है 3 महीने तो इतना रोता है, कहाँ आ गया, क्या आ गया, कैसे हो गया, घर का ये नहीं है, अभी जाते ही विंटर स्टार्ट हो जाएगा, सनलाइट नहीं दिख रही है, देन दे गेट डिमोरलाइज एंड देन इमोशनली ये होता है। बट उस इमोशंस, वो जो टेम्पटेटिंग उनका कंडीशन है, उससे जब वो बाहर आते हैं दे जस्ट जंप अप एज अ स्प्रिंग, तो उनको फिर पता चलता है कि ऐसे विंटर में ऐसा अडॉप्ट होना पड़ता है, ऐसे ऐसे तरीके के लोग होते हैं, दे आर यूजुअली जो घर से मैक्सिमम बच्चे घर से पहली बार जा रहे होते हैं, तो उन्होंने सोशली कभी हॉस्टल लाइफ या बाकी चीज़ें देखी नहीं होती है, तो उस समय में हॉस्टल लाइफ अडॉप्टेशन, फिर वेरिएशन ऑफ पीपल, फिर वेरिएशन ऑफ द NAC, हर एक के संस्कार अपने अपने करके अलग होते हैं, तो वो वाले संस्कार में उनको क्या मिल रहा है और उनके साथ वाले को क्या मिल रहा है, दैट्स व्हाई आई एम वेरी फोकस्ड कि आपके इस ड्यूरेशन में आपके फ्रेंड सर्कल इज द मेजर इशू। आप फ्रेंड सही डिसाइड करें, उससे आपका पॉकेट फाइनेंसिंग सही हो जाएगा एंड आपका स्टडी ग्रुप अच्छा होना चाहिए। दैट इज़ माई ओन एडवाइस कि आप जो भी जा रहा है, जहाँ भी जा रहा है, वो स्टडी ग्रुप प्रॉपर बना के जाए और अपने ग्रुप का एक स्टडी ओरिएंटेशन रखे। नहीं तो आज खाने में क्या बनाना है, आज खाना क्या मिला, आज मेरी घर से बात नहीं हुई, आज इसके पीछे बात, बिकॉज दिस इज द एज ऑफ द हार्मोनल स्क्रू ऑल्सो। यहाँ पे हार्मोन का भी काफ़ी बड़ा रोल रहता है। 18 से 23 साल में इंसान एक अलग एंथुसिएज्म में जाता है, उस समय पे बस एक चिंगारी वो पेट्रोल को जला सकती है, तो उस पेट्रोल को फ्यूल की तरह यूज़ करना है, ना कि वेपन की तरह। So that is my best advice for all the aspirant, जो वो वहाँ जाना चाह रहे हैं और जा रहे हैं, जा चुके हैं, तो वो ये चीज़ को हमेशा नोट डाउन करें कि आप एक एसेट हो, वो एसेट को कैश आप ही को करना है, कोई और ना करे। तो that's it so much. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आई होप कि ये वैल्यूएबल इंसाइट्स जो सर ने दिए वो काम आएंगे हमारे स्टूडेंट्स को जो हैं वहाँ ऑलरेडी, उनको भी, जो जाने वाले हैं उनको भी। Thank you so much. Thank you so much. Thank you.